बेगूसराय के रघुनाथपुर स्थित एनएच 31 के पास बाइक सवार अपराधियों ने सीएचपी संचालक विपिन कुमार चौहान को लूटपाट के दौरान गोली मार दी, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। रात 9:30 बजे खगड़िया से आ रहे थे, सहपुर का रघुनाथपुर में अपराधियों ने उनको गोली मारी है। अपराधी वहाँ बाइके से था, वो खड़ा था वहाँ पे रघुनाथपुर के पास। खगड़िया से आ रहे थे घर कुरहा। इस घटना में अभी तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो घटना घटा है यह तो बहुत दुखद। बेगूसराय से संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं फुलाइन पर। जितेंद्र, अभी फिलहाल उस जख्मी व्यक्ति की हालत कैसी बताई जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह मामला पूरा शाहपुर कमाल थाना से थाना का है, जहां रात में देर रात जब वो घर वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान अज्ञात बदमाशों ने छीन छान के दरमियान जब विरोध किया गया तो अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानंद में परिजनों ने उठाकर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टरों ने उनका स्थिति गंभीर देखते हुए अभी फिलहाल दो गोली लगी है, उस ऑपरेशन अभी चल रहा है। जी क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है अभी तक जितेंद्र? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, जांच की जा रही है, जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में आए दिन की तरह लगातार अपराधी के द्वारा बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो आश्वासन देते हैं लेकिन आश्वासन बस आश्वासने में ही रह जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जो कि पुलिस जो है लोगों को संतुष्ट कर सके। लेकिन लोगों में काफी नाराजगी भी है, खासकर मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष थे वो भी ने बेगूसराय जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बेगूसराय में आए दिन घटना घटती है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर डिप्टी सीएम से इस सारा जो यहाँ की घटना हो रही है, इस सारा बात को लेकर अवगत कराया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एक खबर है बेगूसराय की, जहाँ पर रघुनाथपुर स्थित एनएच 31 पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पर अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक सीएचपी संचालक को गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दो गोलियां लगी हैं।